शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सुरेश कश्यप व कांग्रेस के धनीराम शांडिल के बीच कांटे की टक्कर होनी निश्चित है, लेकिन अब चुनावी जंग में पूर्व के भारतीय जनता युवा मोर्चा के बागी महामंत्री मनोज रघुवंशी राष्ट्रवादी पार्टी से चुनावी जंग में उतरे हैं और इन दोनों पार्टियों को अच्छी टक्कर देने की बात कह रहे हैं। मनोज रघुवंशी के अनुसार वो पहले भाजपा के पदाधिकारी थे, लेकिन जब स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दों पर भाजपा प्रदेश में असफल रही तो उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वर्तमान में वो शिमला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मनोज रघुवंशी राष्ट्रवादी पार्टी से शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। अगर बात करें तो जनता की जनता को तीसरे विकल्प की जरूरत है हिमाचल में, तो तीसरा विकल्प हम लेके आए हैं और तीसरे विकल्प में मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते युवाओं की समस्याओं से मैं वाकिफ हूं। और अगर मैं जीतता हूं तो युवाओं की बात संसद तक ले जाई जाएगी और हमारे जो मुद्दे एक आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, अगर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो रोजगार अच्छा प्राप्त होगा। अगर रोजगार अच्छा होगा तो व्यक्ति कहीं भी अच्छा अपना इलाज करा सकता है। हमारा एक किसानों से जुड़ा मुद्दा है, किसान अगर खेती करता है तो उसे उसकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता, तो हमारा यही मोटिव रहेगा कि किसानों को उसका उचित मूल्य प्राप्त हो। कांग्रेस और बीजेपी परिवारवाद में डूब चुकी है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कांग्रेस और बीजेपी के राज में। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा, हॉस्पिटल से जुड़े मुद्दे को भूल जाती है और फिर मुझे अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पे बैठना पड़ता है, 8 दिन के अनशन पे। फिर सहजल जी आते हैं हमारा अनशन तुड़वाने के लिए और उन्होंने कहा था कि हम इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। मगर अभी तक अगर बात करें तो अभी तक हॉस्पिटल की दुर्दशा अभी तक ऐसी की ऐसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।